तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल मुकुल टेक में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट्सएप में ने एक नया अपडेट लाया है, जिसमें कि आपको सर्च फिल्टर का फीचर दिया हुआ है। तो इस सर्च फिल्टर से आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा कुछ सर्च करने में। तो जैसे कि मैं अब आपको बताऊँगा, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़ीचर क्या है एंड आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले प्ले स्टोर से जाके अपना व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिएगा एंड देन उसके बाद आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। एंड देन व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है, देख सकते हैं जैसा कि, तो आपको उस पर प्रेस कर लेना है। एंड सर्च पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे देन यहाँ से आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिंक्स GIF से ऑडियो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप फ़ोटोज़ पे प्रेस करते हैं देन आपके व्हाट्सएप डाटा में जितने भी फ़ोटोज़ होंगे यहाँ से सभी शो करने लगेंगे। एंड वैसे ही आप वीडियोज़ लिंक्स एंड GIFs में, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे फ़ोटोज़ पे प्रेस कर लेते हैं एंड फ़ोटोज़ पे प्रेस करते ही देख सकते हैं जैसा कि ये फ़ोटोज़ मैंने शेयर किया है या फिर मेरे पास ये फ़ोटोज़ किसी ने भेजा है। तो वैसे ही ये जैसा कि वीडियोज़ है आप देख सकते हैं एंड वैसे ही यहाँ से देख सकते हैं जैसा कि लिंक्स है एंड वैसे ही यहाँ से आपको GIF ऑडियो एंड डॉक्यूमेंट्स है। तो इस फीचर से आपको क्या होगा कि पहले क्या होता था कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपको डॉक्यूमेंट चाहिए व्हाट्सएप पे देखना है या फिर अगर कोई लिंक देखना है तो उसके लिए आपको जिस पर्सन ने भेजा है या आपने जिस पर्सन के पास भेजा है तो उसके चैट बॉक्स में आपको जाना पड़ता था। तो अब इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट सर्च बार में ही जाके एंड वहाँ से अगर आपको लिंक चाहिए तो उसके लिए आप डायरेक्ट लिंक पर प्रेस करेंगे एंड देन वहाँ से आपको सिर्फ पूरा लिंक आ जाएगा एंड वहाँ से आपको आसानी होगी लिंक को ढूंढने में। तो अब आप इसके थ्रू इजीली किसी भी लिंक या फिर कैटेगरी वाइज आप सर्च कर सकते हैं फोटोज़ वीडियोज़ GIF से लिंक्स एंड ऑडियोज़ वीडियोज़ को आप इजीली डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं वहाँ से। तो इसी तरह से इसे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो ऐसे ही आप सर्च बार में जाके एंड आपको इस फीचर को यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, यूज़फुल आपके लिए है। तो मेरा बताया हुआ ये व्हाट्सएप का सर्च फिल्टर फीचर आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड ऐसे ही टेक टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद जय भारत। तो चलिए फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो के साथ।